हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरपी होम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना भी आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। इसका टेस्ट मीठा होता है और यह खासकर होली में बनाई जाती है। अब तो आप समझ गए होंगे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं आपसे। तो इसे कहते हैं गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आइए हम आपके साथ में शेयर करते हैं। ये मैदा, इस कटोरी से मैंने दो कटोरी मैदा लिया हुआ है। ये मावा, एक कटोरी ऑयल, और ये सूजी, शक्कर, और ये नारियल, और इसके साथ में किशमिश, और ये ड्राई फ्रूट जो छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए हैं। तो फिर अब हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। ये मैदा, ये ऐसे बड़े बर्तन में मैदा को करते हैं इस तरीके से करके, फिर इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घी का भी कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा मिलाइएगा, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं डालिए, ऐसे मिलाते जाइए, आपको पता चलेगा अब इसे खस्ता करने के लिए आपको कितने ऑयल की ज़रूरत है। थोड़े थोड़े ऑयल डालेंगे, इसे यूं करते जाइए। बराबर से मिल जाइए, जिसमें कमी या ज्यादा कहीं पे भी ना हो, ऐसे मैदा को मसलते जाइए धीरे धीरे। आपको खुद पता चल जाएगा और भी और ऑयल की जरूरत है कि नहीं। ये देखिए मैदा खस्ता हो गया इस तरीके से, और चेक इसे कैसे करेंगे कि हमारा मैदा खस्ता हुआ कि नहीं। ऐसे मुट्ठी में लीजिए, ऐसे बांधिए, ये फूटे नहीं तो ये मतलब खस्ता हो गया। अगर ऐसे बांधने से ऐसे फूट के बिखर जाता है तो ये खस्ता नहीं हुआ। देखिए ये बिल्कुल बन जा रहा है, यानी ये खस्ता हो गया। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, ऐसे यूं करके डालिए, एक बार में मत डालिएगा नहीं तो ये गीला हो जाएगा, और इसे बड़ा ही सानना है, गीला नहीं होने पाए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी यूं करके, ये हो चुका है। अब इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं, दोबारा से फिर से सानेंगे। अब हम गुजिया की स्टफिंग के लिए तैयार कर लेते हैं मटेरियल। ये ऑयल है, यहाँ पर करीब 2 से 3 चम्मच ऑयल का यूज करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर कुटी हुई इलायची का यूज करेंगे, 2 कुटी हुई इलायची है, और ये ड्राई फ्रूट काजू और बादाम का डालेंगे इसमें। इसे हल्का ब्राउन ही करना है, तेज ब्राउन नहीं करना है। नारियल और किशमिश इसी में ऐड करेंगे, इसे भी चलाएंगे। सूजी भी इसी में डालते हैं, अब इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए इसकी खुशबू और कलर बता रहा है, सूजी भुन चुकी है। आप ऐसे थोड़ा तेज हाथ चलाइए ताकि ये लगने नहीं पाए। इसे मीडियम फ्लेम पर भूनिएगा, फुल फ्लेम पर मत भूनिएगा वरना आपकी सूजी जल जाएगी। इस तरीके से चलाते रहिए। अब हम फ्लेम को लो कर देते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं।
सूजी निकल चुकी है और ये अब मावा कढ़ाई को साफ करने के बाद ये मावा इसमें डालेंगे। ये मावा हमारा एक दिन पहले बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इसमें हल्का सा 2 चम्मच दूध ऐड करेंगे इसे सॉफ्ट करने के लिए। सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें शुगर ऐड करेंगे। 2 कटोरी मैदा था तो 1 कटोरी शुगर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप शुगर जैसे मीठा जिसको ज्यादा पसंद है वो ज्यादा इस्तेमाल करेगा, कम पसंद है तो कम इस्तेमाल करेंगे, ये आपके टेस्ट के हिसाब से करना है आपको। ऐसे चलाते रहिए ताकि शुगर आपकी मेल्ट हो जाए। शुगर मेल्ट हो चुकी है, देखिए इसका कलर बता रहा है और देखने से लग रहा है कि शुगर मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें सूजी ऐड करते हैं, पहले भुनी हुई सूजी निकाल लिए थे, अब इसमें सूजी को हम ऐड करते हैं। प्लेट को साफ कर लीजिए। सूजी मिल चुकी है इसके अंदर, ये देखिए चला के चारों तरफ से छुड़ाते हुए आप ऐसे कर दीजिए और फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ढक दीजिए। ऐसे सूजी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए 5 मिनट के लिए ढकी रहने दीजिए, तब तक हम अपने आटा को और ज़्यादा सान लेते हैं। ये डो बन के तैयार हो गया है, अभी इसमें और मेहनत करनी है, इसे थोड़ा ताकत देगी ऐसे सानिए, दबा दबा के आराम से धीरे धीरे हाथ को थोड़ा टाइट करके खूब अच्छी तरीके से सानिए। थोड़ा सा ऑयल का यूज कर लेंगे यहाँ पर हम ताकि और सॉफ्ट हो जाए। ऐसे करिए, इधर लगाइए, फिर से ऐसे सानते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा डो तैयार है बनके। अब हम इसे ऐसे लंबे शेप में कर लेंगे, ऐसे छोटी छोटी बॉल बना बना के एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, पहले रखते जाएंगे। आपको जितनी साइज की बनाना है, बड़े साइज की बनाना है तो बड़े बड़े बॉल बनेंगे और छोटे साइज की बनाना है तो छोटे बॉल बनेंगे, ऐसे बना बना के रखते जाएंगे। ये अब इसे बेलते हैं, बेलकर सारी एक साथ रख लेंगे ताकि जल्दी से काम हो जाए। ऐसे बेलिए, गोल बेलिए, ये ऐसे बेलकर छोटी छोटी मैंने कर ली है। अब इसके ऊपर ऐसे रखते हैं ये और इसे फिल करते हैं। इस तरीके से, बहुत ज्यादा नहीं भरिएगा वरना ये फटने लगी जाएगी। बराबर कर लीजिए ऐसे, ये चारों तरफ से बराबर इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे बस दबाते जाइए। ये जो एक्स्ट्रा है ये आपका ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे निकाल लीजिए इसको, ऐसे दबा दीजिए, आराम से निकालिए, बनके तैयार हो गई है। दूसरी बनाते हैं, इसमें भी 1 चम्मच भरेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अगर आपके पास ये साँचा ना हो तो इसे ऐसे बेलते हैं, गोल साइज में बेलिए और ये जितना बड़ा आपको चाहिए ऐसे आप बेल लीजिए आराम से। फिर एक कटोरी की मदद से इसके साइज का काट लेते हैं, प्रेस करिए और ये किनारे वाला एक जगह इकट्ठे कर देते हैं, इसे बाद में यूज करेंगे। ये ऐसे इसमें भरते हैं,
ऐसे दबाइए। पानी भी लगा सकते हैं और आप ऐसे भी दबा सकते हैं, ऐसे चिपके नहीं तो पानी, हल्का सा पानी ऐसे लगा सकते हैं और इसे फॉक की मदद से हल्का हल्का दबाइए। ये देखिए व्यूअर्स, पूरी गुजिया बना के ऐसे प्लेट में रख लीजिए ताकि आपका काम जल्दी जल्दी हो सके। अब इसे फ्राई करते हैं। अब इसे तलना शुरू करते हैं। तेल बहुत ज़्यादा मीडियम फ्लेम पर शुरू करते हैं, फिर जब तेल गर्म हो जाए तो आप इसे फ्लेम को कम कर सकते हैं। ऐसे डालते जाइए, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, ऐसे डालिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये गुजिया ऐसे पलटते जाइए, आपको लगे जिधर थोड़ी सी कम हुई है तो ऐसे तेल भी डालते जाइए और इसे ऐसे दबाकर इसे डीप फ्राई करना है। कलर अच्छा आ रहा है इसका, गुजिया तल उठी है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसे निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा तेल है इसमें आ जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, गुजिया बनके तैयार हो गई है। आप इसी तरीके से बनाइए, इसे खाइए और हमें बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसे लगा। आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए गुजिया बनके तैयार हो गई है। ये बाहर से देखने में जितनी अच्छी है अंदर से भी इतनी अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट। ये देखिए व्यूअर्स, गुजिया बनके तैयार हो गई है। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। इसे हम तोड़ के भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, इसे आप बनाइए खाइए, इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए व्यूअर्स, गुजिया बनके तैयार है। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट।